अस्सलाम वालेकुम सामईन। भेड़ों और बकरियों को चराने के फ़वाद। अगर आप लोग भी भेड़ों बकरियों को चराते हैं तो उनसे आपको कौन कौन सा मफाद मिलता है, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसमें मुकम्मल आगाही मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाज़रीन वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये आप देख रहे हैं यहाँ ना कोई इतने ज़्यादा सब्ज़ चारा पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ये रेगिस्तान है, रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन उन पर भी ये भेड़ें बकरियाँ जो हैं वो थोड़ी बहुत चराई कर रही हैं। और अगर इन ऐसी जगह पर भी 2-3 घंटे इनको चराया जाए तो ये अपना यूँ समझें कि पेट भर लेती हैं। भेड़ें तो ख़ास तौर पर चराई के हिसाब से सबसे ही बेस्ट हैं, लेकिन बकरियां भी गुजारा कर लेती हैं। अगर आप लोग चराते नहीं हैं तो फिर आपको घर में अगर आप बांध कर खिला रहे हैं तो ये जो बाहर से खा कर जा रही हैं, इसकी वजह से इसकी जगह पर भी आपको कोई ना कोई चारा चाहिए होगा, या आपको सब्ज़ चारा चाहिए होगा, या कि आपको भूसा चाहिए होगा, और जो भी चीज़ है वो आपको महंगे दामों ही मिलती है। ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं जिन्होंने चराई हुई है, उनको मैं नहीं सामने ला रहा, क्योंकि बच्चियां भी हैं जिन्होंने ये भेड़ें बकरियां चराई हुई हैं, तो मेरे नज़दीक ये बात इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वर्क के साथ साथ अगर आप पढ़ा भी लें तो फिर अब ये बेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ हम रहते हैं, ये एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर यूँ समझें कि शऊर की कमी ही है। भेड़ें बकरियाँ ज़्यादातर चराई पर ही लोग अपने बच्चों को रखते हैं और कम ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक तो तालीम की कमी है और दूसरा इसी तरह ही यहाँ पर जो लोग हैं उनमें यूँ समझें कि जब तालीम की कमी आती है तो शऊर की भी कमी ही होती है। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने रोज़गार की खातिर, और आजकल जो महंगाई चल रही है नाज़रीन, वो तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। अगर घर में एक बच्चा भी काम ना करे तो फिर निज़ाम ठीक से नहीं चलता, क्योंकि आजकल जो अखराजात हैं वो बहुत ही बढ़ गए हैं। और इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पर बकरियों भेड़ों चरा लेते हैं, फिर इनमें से जो ख़र्चा बचता है तो उससे बाकी जो अखराजात हैं वो आ जाते हैं, और ये जो भेड़ें बकरियां हैं ये आपके सामने चराई जा रही हैं, और ये दिन में सुबह को लोग चराते हैं, दोपहर को वक्फा किया जाता है 2-3 घंटे, फिर उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा चराया जाता है, और शाम को ही ये वापस जाएंगी, और साथ में गाय और भैंसें भी हैं। तो नाज़रीन, ये सब मजबूरी के खेल हैं। अगर लोगों के पास पैसा हो तो घर बैठकर भी इन गाय और बकरियों भेड़ों को चराया जा सकता है, यानी कि खिलाया जा सकता है, उसमें अखराजात बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये कि बच्चों को भी यूँ समझें कि इस तरह जलील करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी अगर जलील नहीं होंगे, ख्वार नहीं होंगे, तो वो पढ़ाई में जाएंगे, और पढ़ाई जो है वो तो एक अच्छी बात है, यानी कि इससे शऊर पैदा होता है अवाम में। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।